हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। होप यू ऑल आर फाइन। सो वापस स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, सेकंड लेक्चर में कुछ थियरी पढ़ी थी, और आपको मैंने ये बताया था कि इसमें शॉर्ट सम आते हैं और शॉर्ट सम सॉल्व करने के लिए आपको जनरल एंट्री करनी पड़ती है। सो ये जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी, आपको कुछ रियलाइजेशन अकाउंट बना के। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। सो कैसे होगा, आपको यहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ दी होगी सम में, पहले उसको क्लोज करना है। तो एसेट्स को हम क्लोज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। सेकंड, अगर लाइबिलिटीज दी हैं तो लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, उसको क्लोज करने के लिए जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से थी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। नेक्स्ट, अब हम एसेट्स सेल करते हैं। एसेट्स को हम सेल करेंगे तो कैश हमको मिलेगा। सो कैश कम्स इन तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटीज अगर हम पेड करते हैं, सो लाइबिलिटीज आप पेड करोगे तो कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नॉर्मल बेसिक था। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके सम। सो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 1 का फर्स्ट वाला देखेंगे क्योंकि इसमें शॉर्ट सम ही आते हैं। एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 करोगे हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में उसके सेम टू सेम सम दिए हुए हैं, सिर्फ अमाउंट ही चेंज है। तो चलिए आज सम करते हैं इलस्ट्रेशन 1 का फर्स्ट वाला। सो नाउ यहाँ पे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप ओपन कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करो तो उसमें आपको मिलेगा पेज नंबर, आई थिंक सो पेज नंबर 286 में है इलस्ट्रेशन नंबर 1, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। उसमें फर्स्ट वाला है लैंड बिल्डिंग रुपीज 1 लाख। सो लिखूंगा लैंड बिल्डिंग रुपीज 1 लाख। उसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट रुपीज 50,000। आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ये थी। लैंड बिल्डिंग 1 लाख की दिखाई हुई थी, इन्वेस्टमेंट 50,000 का दिखाया हुआ था। अब उसके आगे पढ़ रहे हैं। ओके, लिखा है 80,000 एंड 60,000 आर रियलाइज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देम, यानी कि इसको सेल किया तो इसका 80,000 मिला और इसका 60,000 मिला। सो इसकी हमको जनरल एंट्री करनी है तो पास जनरल एंट्री करते हैं। चलिए यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर,
फिर एल एफ होता है यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके आप एडजस्ट कर लेना। चलिए सो इसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं, सारी की सारी एसेट्स अकाउंट को हम पहले क्लोज करेंगे, क्लोज करके कहाँ पे लेके जाना है, रियलाइजेशन में। सो उसकी एंट्री मैंने आपको अभी बताई थी, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कौन कौन सी एसेट्स है, फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड बिल्डिंग अकाउंट, एंड दूसरा था इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। चलिए तो लैंड बिल्डिंग थी 1 लाख की और इन्वेस्टमेंट था 50,000, ये रहा। सो यानी कि टोटल अमाउंट आई 1,50,000, ओके। सो रियलाइजेशन में आएगा 1,50,000। अब सेकंड एंट्री, इसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सो सेल करेंगे तो उतने पैसे मिलेंगे, सो यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट जो लिखना है वो लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट मिली, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इट्स नॉट कंपलसरी, 80,000 प्लस 60,000, सो टोटल अमाउंट इज अ 1,40,000, सो कैश रिसीव 1,40,000। सो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पहले यहाँ पे एसेट्स बताई हुई थी, तो एसेट्स को हमने क्लोज किया, तो रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट्स अकाउंट। अब इसको सेल करते हैं तो कैश मिलेगा, सो कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। अब देखते हैं इसका सेकंड सम, अब सेकंड सम थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट्स ऑफ फर्म आर 4 लाख, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एसेट्स बताई हुई है 4 लाख। नेक्स्ट, आउट ऑफ दैट 40% आर करंट एसेट्स, यानी कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट है करंट एसेट्स एंड सेकंड इज फिक्स एसेट्स, सो 40% इज करंट एसेट्स एंड रिमेनिंग यानी 60% आर फिक्स एसेट्स, सो 4 लाख का 40% 1,60,000, 4 लाख का 60% 2,40,000। यहाँ पे अमाउंट मिल गई भी करंट एसेट्स 1,60,000 की, फिक्स एसेट्स 2,40,000 की, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, वेयर कैश इज इंक्लूड ऑफ 20,000, अगर चलिए इसमें कैश 20,000 इंक्लूड है, सो कैश इज अ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में से हम कैश माइनस कर देंगे 20,000, सो बचेगा 1,40,000, सो ये जो बचा उसको बोलते हैं अदर करंट एसेट्स। अब देखो क्यों माइनस किया, क्योंकि जब भी डिसोल्यूशन करते हैं तब फॉर अकाउंट्स बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का ये जो बैलेंस है, यानी कि कैश का जो बैलेंस है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि कैश को हम क्लोज नहीं करते हैं, उसी वजह से यहाँ पर कैश को क्या किया है, माइनस। अब देखते हैं, 120% ऑफ फिक्स एसेट्स आर रियलाइज, चलिए एसेट्स का 120% मिला, तो 2,40,000 का 120% कीजिए, 2,40,000 यानी कि 120% ऑफ फिक्स एसेट्स आर रियलाइज, यानी कि फिक्स एसेट्स से उसका 120% रियलाइज हुआ, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 120%, तो 2,40,000 इंटू 120%, इसका 120% करेंगे तो 2,88,000,
यानी कि फिक्स एसेट्स को सेल किया तो हमको 288,000 मिला एंड 80% आर रियलाइज फ्रॉम करंट एसेट्स. इसका 80 करंट एसेट्स 1,40,000 है, उसका 80% करना है, उसका 80% मिला, यानी कि इसका 80% करेंगे तो 1,12,000 इतना रियलाइज हुआ. यहाँ पे सेल नहीं लिखा जाएगा बट आपको पता चले इसीलिए मैंने लिखा था. सो ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू है, ये करंट एसेट्स की है और ये दोनों की रियलाइजेशन वैल्यू है. तो अब हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो सारी की सारी एसेट्स हम क्लोज करेंगे. तो क्लोज करने के लिए एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. कौन कौन सी एसेट है, तो करंट एसेट्स अकाउंट एंड टू फिक्स एसेट्स अकाउंट. ओके, चलिए उसकी अमाउंट देखते हैं. करंट एसेट्स की है 1,40,000 और इसकी थी 2,40,000, यानी कि दोनों को मिला के होती है 3,80,000. सो टोटल एसेट्स थी 3,80,000, उसको हमने क्लोज किया. अब उसके जो पैसे मिल रहे हैं यानी कि रियलाइज कैश जो मिल रहा है उसकी एंट्री करते हैं. सो यहाँ पे मैं ओनली कैश लिख रहा हूँ. सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना मिलता है, तो यहाँ पे है करंट एसेट्स का 1,12,000 एंड फिक्स एसेट्स का 2,88,000 मिल रहा है. ये रही वैल्यू. ओके, सो दोनों का हम क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे. तो टोटल अमाउंट इज अफ 4 lakhs. सो 4 lakhs डेबिट एंड 4 lakhs क्रेडिट. क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ये था सेकंड वाला सम. अब हम देखते हैं नंबर 3, थर्ड वाला सम. चलिए, लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 70,000. मशीनरी कितने की है, 70,000. इट्स अ टेकन बाय वन पार्टनर फॉर 78,000. कौन लेके जा रहा है, पार्टनर. कितने में ले जा रहा है, 78,000. सो ये नया है, हमने पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ जनरल एंट्री आपको बताई नहीं थी. बट देखते हैं, इट्स अ वेरी इजी हो जाएगा. डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट. चलिए इसके रिगार्डिंग देखते हैं. सबसे पहले मशीनरी, मशीनरीज एंड एसेट्स, इसको हम क्लोज करेंगे. सो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ओके, सो मशीनरी कितने की थी, 70,000 की. सो यहाँ पे अमाउंट आएगी 70,000. इज दैट क्लियर, यानी कि सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट क्लोज किया. अब देखते हैं सेकंड, इसको हम सेल करेंगे. बट देखो, यहाँ पे हम सेल नहीं करते हैं. ये मशीन कौन ले जा रहा है, पार्टनर्स टेक अवे, पार्टनर्स टेक अवे इट्स मशीन 78,000. यानी कि पार्टनर्स यहाँ पे लेके जा रहे हैं, हमको कैश नहीं मिल रहा है तो कैश की एंट्री नहीं होगी. यहाँ पे पार्टनर्स ले जा रहा है, यानी कि पार्टनर्स इज अ रिसीवर. सो कैश की जगह यहाँ पे पार्टनर्स लिखा जाएगा, पार्टनर्स इज अ रिसीवर. सो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट
partners, capital account debit to realization account. कितना रुपीस में लेके जा रहा है? 78,000. सो 78,000, इज दैट क्लियर? सो ये था थर्ड वाला. अब देखते हैं उसके आगे का फोर्थ वाला सम. सो इसको अब मैं रफ कर लेता हूँ. चलिए देखते हैं नंबर फोर. नंबर फोर है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस. ओके, यहाँ पे लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ फर्म ₹20,000. ओके, डिसोल्यूशन ही है ना. हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज ₹20,000. बस सिर्फ इतना ही लिखा है. तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज नॉट एन एसेट्स या इट्स नॉट एन लाइबिलिटीज. ये एसेट्स भी नहीं है और क्या नहीं है, लाइबिलिटीज भी नहीं है. तो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है. सो आप सोचो हम एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं, याद करो फाइनल अकाउंट्स 11th में हम एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड लिखते थे. बट यहाँ पे पीएनएल अकाउंट्स की जगह कौन सा अकाउंट है, पीएनएल की जगह रियलाइजेशन अकाउंट है. तो यहाँ पे उसके जैसे ही एंट्री होगी पीएनएल की जगह लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. ये हम कैश में पे करेंगे हैं तो कैश अकाउंट. कितना रुपीस है, 20,000. ऐसा कुछ आगे के इलेस्ट्रेशन सॉरी आगे के कोई सम में या फिर मैंने बताया नहीं था, बट आप याद रखो कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो एक्सपेंस पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट. ऐसे कोई इनकम हमको मिलती है सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा होगा. चलिए नेक्स्ट वन नंबर फाइव. इसमें दूसरी कोई एंट्री नहीं होगी फोर में. नंबर फाइव देखते हैं. नंबर फाइव में क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म फॉलोइंग एसेट्स आर अप्रिशिएट इन द बुक अपेयर्ड इन द बुक. सो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे बुक में. सबसे पहला बोला है बिल्डिंग है 2 lakhs, फिर गुडविल अमाउंट इज 20,000. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर अमाउंट इज 40,000. नेक्स्ट वन इज मशीनरी अमाउंट इज 30,000. सो दिस इज अ अमाउंट ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, रियलाइज 2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का मिला 2,20,000. 50,000 फॉर फर्नीचर, सो ये रहा फर्नीचर, उसका मिला 50,000. एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, मशीनरी की जो वैल्यू है वही मिली यानी कि 30,000. राइट,
ओके, नो वैल्यूज रियलाइज फॉर गुडविल, गुडविल का कुछ मिला नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि उसका कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए सो इसकी जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे ऊपर का कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यानी कि डेट पर्टिकुलर वो आप समझ लेना। सबसे पहले तो सारी की सारी एसेट्स हम क्लोज करेंगे, सो क्लोज करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग अकाउंट टू, गुडविल है सो गुडविल अकाउंट टू, फर्नीचर है फर्नीचर अकाउंट टू, मशीनरी है सो मशीनरी अकाउंट। लिखते हैं इसकी अमाउंट, बिल्डिंग की अमाउंट थी बुक वैल्यू 2 लाख, गुडविल की थी 20,000, फर्नीचर की 40,000 एंड मशीनरी की 30,000, यानी कि टोटल अमाउंट इज 220 + 40 + 30 6 7 8 9 2 lakhs 90,000। ओके सो टोटल अमाउंट इज 2 lakhs 90,000। अब इसको सेल करेंगे, यानी कि कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमको कितने पैसे मिल रहे हैं वो लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए कितने मिल रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2,20,000 बिल्डिंग के, 50,000 रुपीस फर्नीचर के एंड 30,000 रुपीस मशीनरी के, यानी कि टोटल अमाउंट मिल रही है 220 + 30 50 + 50 यानी कि 3 लाख रुपीस, टोटल अमाउंट इज अ 3 लाख। क्लियर, सो ये था नंबर 5। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक पता चला होगा।